हाँ जी आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो आई आई टी ट्वेंटी ट्वेंटी का जो कुछ महीने पहले एग्जाम हुआ था वो उसका है ठीक है ये जबरा का क्वेश्चन है ठीक है क्वेश्चन रखा है लेट बी रियल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है टू और माइनस वन दैट इज टू ए नेगेटिव वन बी द टू आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स एम इफ एम पावर फाइव इज इक्वल्ड ए टाइम्स आई दैट्स एन आइडेंटी मैट्रिक्स प्लस बी टाइम्स एम वे एंड बी आर रियल देन हमने क्या निकालना है ए और बी का वैल्यू निकालना है ठीक है क्वेश्चन सिंपल से लॉजिक पे बेस्ड है ठीक है जिसको वो क्लिक कर गया बात खत्म फिर बात ये क्वेश्चन रिड्यूस हो जाता है टेंथ स्टैंडर्ड ये क्वेश्चन ठीक है आप देखोगे गिवन ज एम की पावर फाइव दैट इज ए टाइम्स आईडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस बी टाइम एम ठीक है अब मैं इसको लिख सकता हूँ एम की पावर फाइव माइनस बी टाइम्स एम माइनस ए टाइम्स द आईडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स दिस ठीक है टू और नेगेटिव वन आईगन वैल्यूज़ है मैट्रिक्स एम की अगर आप इस पे नजर मारोगे ठीक है तो ये हमें इन अदर वर्ड क्या बोलता है दिस इज अमे राइट आई कैन राइट दिस एज पी ऑफ एम विच एनहिलेट्स मैट्रिक्स एम ठीक है दैट मीनस दिस ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है या नहीं आप वहां मत जाओ अगर मैं आपको बता दू इक्वेशन तो है नहीं बिकॉज अगर ये एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती तो इसकी डिग्री छ होनी थी छ नहीं है पांच है बट इतना तो पक्का है जब आप इसमें मैट्रिक्स एम सब्सट्यूट करोगे ये जीरो के इक्वल आएगा तो इतना तो हमें पता है दिस पॉलिनोम इज एनी लेटी ऑफ़ मैट्रिक्स तो आपको क्या पता है अगर ये एनहिलेटिंग है ठीक है तो हमें पता है कि जैसे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम आइगन वैल्यू सब्सट्यूट कर ले तो वो उसके रूट्स आते हैं ठीक है थेके? इसी तरह से हमने एनहिलेटिंग जो पॉलिना है उसके बारे में पता है जब आप कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज एनिलेटिंग पॉलिनोम में सब्सिट्यूट करोगे वो उस पॉलिनॉमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करें ठीक है सो पी ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो ठीक है इसका मतलब है टू की पावर फाइव इसमें टू सब कर रहा हूँ टू बी एंड टाइम्स ए ठीक है इज इक्वल जीरो ठीक है तो यहां से आपको क्या मिलेगा ए शिफ्ट कर रहा हूं प्लस टू बी बी शिफ्ट कर रहा हूं दैट इज इक्वल टू की पावर फाइव इज थर्टी टू इसको नाम रख रहा हूं ठीक है ऑल्सो

बी नगेटिव ए डेट्स इक्वल जीरो अब इनको शिफ्ट कर रहा हूँ तो ए माइनस बी डेट्स इक्वल इसको नाम रख रहा हूँ सेकंड अब आप यहां से क्या करोगे यू विल सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट ठीक है तो यहाँ पे लिखा क्या जाएगा ए प्लस टू बी माइनस ए माइनस बी थर्टी टू माइनस दिस नेगेटिव वन सो हाउ मच दिस बिकम इट विज बिकम ए प्लस टू बी माइनस ए प्लस बी दिस विज बिकम थर्टी टू प्लस वन

Thank you.